क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने ऑनलाइन जुआ अड्डे पर छापा मार कार्रवाई कर 5 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनसे करीबन 1.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में स्वामी नारायण मंदिर के पीछे रहने वाला काशीनाथ दादाजी येवले उम्र 43 वर्ष, करबी निवासी सैयद समीर सैयद जान मोहम्मद उम्र 22 वर्ष, सतरंजीपुरा निवासी शेख जुनैद शेख मजीद उम्र 20 वर्ष, वहीं शक्ति माता नगर नंदनवन निवासी समीर शफी शेख उम्र 26 वर्ष और खरबी निवासी अब्दुल रऊफ अब्दुल हक उम्र 50 वर्ष का समावेश है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नंदनवन परिसर में एक दुकान के बंद पड़े कमरे में ऑनलाइन जुआ चलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर हसनबाग चौक स्थित अल्हम्दुलिल्लाह नामक दुकान पर छापा मारा। पुलिस को मौके से ही सभी आरोपी ऑनलाइन कूपन पर पैसे की खाए वाली करते मिले। तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से जुए के काम में आने वाले सामान समेत करीब 1,56,000 रुपए का माल जब्त किया गया। डीसीपी मुमक्का सुदर्शन के मार्गदर्शन में पीआई सूर्यवंशी एपीआई शिंदे एवं सहयोगी पुलिस कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज क्राइम यूनिट 4 को पेट्रोलिंग के दरमियान एक जानकारी मिली थी, पुलिस स्टेशन नंदनवन की हद्दी में जो कब्रस्तान है हसनबाग कब्रस्तान है, वहाँ पर ऑनलाइन लॉटरी के आड़ में कुछ अवैध रीतिया यानी सट्टा पट्टी का काम चल रहा है, ऐसी जानकारी मिली थी। उस जानकारी के हिसाब से यूनिट 4 की टीम वहाँ पर जाकर रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पर हमको एक होटल दिखा था, उस होटल का नाम था अल्हम्दुलिल्लाह होटल करके लिखा था और उस होटल के पीछे उस होटल के शटर के अंदर में ये ऑनलाइन सट्टा यानी जुगाड़ चालू था। उसमें हम लोगों ने जब वहाँ रेड किया तब उसमें हमको वो जुगाड़ जो चलाने वाला था उसका नाम काशीनाथ येवले जो स्वामीनारायण मंदिर के पास रहता पुलिस स्टेशन वाठोड़ा उसको लिया और जो खेलने वाली 4 और एक लोग थे उनको भी ताबे में लिया है। और वहाँ पर जो मशीन्स थी वो मशीन्स कंप्यूटर वहाँ के मोबाइल पीसीयू ऐसा कुल मिलाकर और कुछ कैश करीब 4,500 रुपये कैश इन लोगों के पास मिली थी, ऐसा कुल मिलाकर 1,56,000 रुपये का मुद्देमाल हमने वहाँ से जब्त किया है और जुगाड़ कायदे के हिसाब से उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं वो जब कोई 10 रुपये या 20 रुपये जो भी पैसे स्टार्टिंग से देता है तो उसको एक 10 रुपये दिए तो 10 रुपये का कूपन दिया जाता है और वो जो मशीन पे कुछ नंबर रहते हैं 1 से 10 नंबर रहते हैं और उसमें से एक नंबर वो कूपन पे आता है। अगर वो कूपन पे वो नंबर मैच हो गया जब वो मशीन रुकने के बाद तब उसको 10 रुपये के 90 रुपये ऐसा देते हैं। ये बेकायदेशीर होने की वजह से इस पर कार्रवाई की है। 4 को हमको एक जानकारी गोपनीय यानी मिलने के बाद हमारे एपीआई शिंदे पीएसआई जाय भाई और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।